अगर आपको चैप्टर नंबर आपका एक और यहाँ हमारा पार्ट थ्री वीडियो होगा, सॉरी पार्ट फोर वीडियो होगा। आज का टॉपिक है जल परिवहन। तो जल परिवहन मतलब जल के रास्ते से हम लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, उसे कहा जाए जल परिवहन। अब जल परिवहन जो है आपका है क्या कि ये समुद्री मार्ग, मतलब एक समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, एक आंतरिक मार्ग से होता है, एक आंतरिक मार्ग से और एक किसे समुद्री मार्ग। तो सबसे पहले हम लोग देखिए समुद्री मार्ग जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, ये क्या होगा बहुत ही क्या जी बड़ा होगा, और जो आंतरिक मार्ग होगा ये थोड़ा छोटा होगा, जैसे नदी से जाएगा या झील से जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई साहब समुद्री मार्ग में पहला देखिए आपका है क्या उत्तरी अटलांटिक और मध्य भूमध्य सागरीय हिंद महासागर, क्या है उत्तरी अटलांटिक जल परिवहन समुद्री मार्ग आप बोल सकते हैं, दूसरा भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग, ठीक है। तो आपका समुद्री मार्ग हमने मुख्य रूप से दो बताया, कौन कौन, एक क्या जी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दूसरा क्या भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग। अब देखिए ये जो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है ये पश्चिमी यूएसए, पश्चिमी यूरोप और यूएसए को जोड़ता है, किससे जोड़ता है पश्चिमी यूरोप को, किससे जोड़ता है यूएसए से जोड़ता है, जो उत्तरी अटलांटिक है ना ये किससे जोड़ता है पश्चिमी यूरोप को यूएसए से जोड़ता है। अब इससे जुड़ेगा तो क्या करेगा, तो लोग व्यापार करेंगे वस्तु को यूरोप से कहाँ लेकर जाएंगे यूएसए, फिर यूएसए से यूरोप लेकर जाएंगे, और इसे बृहद ट्रैंक मार्ग भी कहा जाता है, इसे क्या कहता है जी बृहद ट्रैंक मार्ग भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि बृहद ट्रैंक मार्ग किसे कहते हैं, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को ही बृहद ट्रैंक मार्ग कहा जाता है, क्योंकि इस पर बहुत बड़े पैमाने पर क्या होता है वस्तु का आयात निर्यात किया जाता है, सामान को ढुवाई की जाती है। अब देखिए दूसरा है आपका भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग, तो देखिये यह प्राचीन विश्व का हृदय स्थल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं प्राचीन विश्व का मतलब बहुत पुराने जमाने का विश्व का क्या हृदय स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय में बहुत सारे वस्तुओं का आयात निर्यात इसी से किया जाता था। तो है क्या कि इसमें आपका है क्या कि ये जो है मतलब ये बहुत सारे इलाकों को भी जोड़ता था, जैसे क्या पोर्ट सैयद, मुंबई, कोलम्बो, सिंगापुर इत्यादि पतनों को क्या करता था जोड़ता था, पतन मतलब भाई बंदरगाह, पतन क्या जी बंदरगाह जहाँ से समुद्री जहाजों में सामान उतरते हैं। अब आगे देखो भाई साहब, तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ भूमध्य सागर हिंद महासागरीय जो है क्या प्राचीन विश्व क्या है हृदय स्थल भी कहते हैं, ये पोर्ट सैयद, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर को पतन को जोड़ता है, ठीक। अब आगे देखो भाई है क्या उत्तम आशा अंतरिक्ष समुद्र मार्ग, क्या है उत्तम आशा, क्या जी उत्तम आशा, क्या है उत्तम उत्तम आशा, उत्तमाशा पर ये या देखो भाई उत्तम अगर अ लगा आकार लगा हो ना आकार के ऊपर समझे फोन में अगर ए टाइप करोगे ना तो ऐसा साइन आ जाएगा, ठीक है, मतलब आकार को क्या बोलते हैं अ बोला जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे उत्तम आशा, उत्तम लिवरपूल और ये कोलंबो में जोड़ता है, स्टार्टिंग में ये किसको जोड़ता था लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, ठीक है कोलंबो को जोड़ता था, और ये स्वेज नहर से 6400 किलोमीटर लंबा था, ये स्वेज नहर से कितना लंबा था जी एक बार, स्वेज नहर कब खोला गया 1869 में, 1869 में, सॉरी 1870 का जी नहीं। तो देखो भाई साहब यहाँ से सोना, तांबा, टीना, मूंगफली ध्यान दो, अब इससे यहाँ से किस वस्तु का आयात निर्यात होता है, तो सोना, तांबा, टीना, मूंगफली इत्यादि वस्तुओं का जो है निर्यात होता है। उत्तम आशांतरिक समुद्री मार्ग में आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग में लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, ये स्वेज नहर से 64 किलोमीटर का था लंबा था, और इससे सोना, तांबा, टीना, मूंगफली निर्यात हो जाता। अब देखो नेक्स्ट है दक्षिणी अटलांटिक, क्या है दक्षिणी अटलांटिक, जैसे वो था उत्तरी अटलांटिक, ये क्या है दक्षिणी अटलांटिक, तो दक्षिणी अटलांटिक जो है ये किसको किसको जोड़ता है यूरोप, अमेरिका में और ब्राजील को जोड़ता है, मतलब यूरोप को अमेरिका को, फिर अमेरिका में किसको जोड़ता जी ब्राजील, फिर आपका देखो प्रशांत जल मार्ग, क्या प्रशांत समुद्री मार्ग, क्या प्रशांत समुद्री मार्ग,
ये दो था, एक उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और एक दक्षिणी प्रशांत समुद्री, उत्तरी वाला भाई साहब वैंकूवर और योकोहामा को जोड़ता था, योकोहामा को जोड़ता था। और आपका है क्या, ये जो दूरी है मतलब इस मार्ग के खुलने बनने से क्या हुआ, 2480 किलोमीटर क्या हो गया, कम हो गया, क्या हो गया, नहीं तो इतना दूरी लोगों को क्या ज्यादा जाना पड़ता, इतना फ्यूल भी ज्यादा खर्च होती जहाज के, ठीक है ना, और फिर दिन भी क्या ज्यादा लगते। लेकिन इसको बनाने से प्रशांत उत्तरी जल मार्ग बनाने से क्या हुआ, इतना दूरी में क्या हुआ, आपका वैंकूवर से योकोहामा से क्या हो गया, कम हुआ। रोडे और सड़कें या रेल वाहन या समुद्री मार्ग क्यों बना जाते हैं, ताकि दूरियां क्या हो जाए, कम हो जाए और हमें फायदा जो है ज्यादा हो। फिर देखो दक्षिणी महामार्ग, तो दक्षिणी आपका है क्या, प्रशांत जल मार्ग क्या है, पनमा और सिडनी की, आपका है क्या पनमा और सिडनी के बीच में 12,000 किलोमीटर है, कितना है 12,000 किलोमीटर। तो दक्षिण प्रशांत जो महामार्ग है वो कितने दूरी में फैला हुआ है, तो 12,000 किलोमीटर, किसके किस बीच, पनमा और सिडनी। पनमा क्या है, देखो नहर का नाम है, क्या है नहर। अब देखो ये आपका है क्या कि इसकी दक्षिण आपका प्रशांत जो जल मार्ग है या समुद्री मार्ग है, ये आपका मध्य पतन, इसे क्या जी, मध्य पतन, इसे क्या है, होनोलुलु है, क्या जी, होनोलुलु है इसका मध्य पतन, या महत्वपूर्ण पतन क्या है, महत्वपूर्ण पतन क्या है, होनोलुलु है, महत्वपूर्ण पतन क्या है, होनोलुलु है। और ये भाई साहब कहाँ से किसको जोड़ता है, तो ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, क्या सुना, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। और परमा नहर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, परमा नहर को किससे जोड़ता है जी, प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अब आगे देखिए, ये है आंतरिक जल मार्ग, हमने बताया कि पूरे जल परिवहन दो भागों में बटा हुआ है, एक समुद्री मार्ग में और एक आंतरिक जल मार्ग। तो आंतरिक जल मार्ग में क्या क्या आती है, जो नदियां होती हैं वो आती हैं, झीलें आती हैं, नहरें आती हैं, ये सब क्या है, आंतरिक जल मार्ग होती है, और ये थोड़ा उनसे क्या आती है, छोटी। अब देखो भाई क्या, जैसे राइन जल मार्ग, क्या जी, राइन जल, जो राइन जल मार्ग है वो नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के बीच है, वो क्या जी, नीदरलैंड और क्या जी, स्विट्जरलैंड के बीच है। और ये आपका है क्या, ध्यान देना, ये आपका 700 किलोमीटर, क्या जी, 700 किलोमीटर नौका यान है, मतलब यह 700 किलोमीटर की दूरी में ना नावे जो है चल सकती है, वस्तु यहाँ से नाव सामान वस्तु लाया जा सकता है, सामान को फिर दूसरे जगह भेजा जा सकता है, कितने दूर तक, 700 किलोमीटर, इसके बीच नीदरलैंड से स्विट्जरलैंड। अब है क्या, ध्यान देना, इसमें आपका है क्या पूरा जलयान कितना है, तो 20,000 किलोमीटर का जी जल, इसमें कितने राइन जलमार्ग में कितने जलयान चलती है, तो 20,000, कितने जी, 20,000 जलयान जो है चलती है इस राइन जलमार्ग में, मतलब 20,000 जहाजें चलती है जलयान में, समझे। और है क्या डेन्यूब जलमार्ग, तो ये पूर्वी यूरोप भाग में है, ये कहा जी, पूर्वी यूरोप के भाग में है। और यहाँ से निर्यात क्या होता है, मतलब क्या वस्तु को भेजा जाता है, निर्यात मतलब दूसरी जगह भेजा जाता है, मक्का इमारत और क्या जी, लकड़ी, मक्का इमारत और क्या जी, लकड़ी भेजा जाता है। अब देखा है क्या वेलगा, क्या जी, वेलगा, तो वेलगा जो आपका आंतरिक जल मार्ग है, ये आपका है क्या कि मतलब सबसे कितना, इसमें नौकायान कितना है, तो 11,200 किलोमीटर, क्या जी, 11,200 किलोमीटर नौका यान टाइप का, मतलब नावे जो है चल सकती है। और ये आपका है क्या मास्को को काला सागर से जोड़ता है, आपका है क्या कि जो वेलगा आपका जल मार्ग है, आंतरिक जल मार्ग है, ये किसको जोड़ता है, मास्को को काला सागर से जोड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा।